अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट की बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस को हम दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल भी कहा जाते हैं, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, बिल्कुल सिंपल टेंस। इसमें कोई भी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होती, ज़्यादा कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस तरह की कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। सिर्फ हमें दो से तीन बातों को ध्यान में रखना होता है इंडेफिनेट टेंस में, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से पास्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, और सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर टेंस में भी हम इसी तरह करते हैं, मगर साथ में दो हेल्पिंग वर्ब का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन है विल, ठीक है, और नंबर टू है शैल। अब बात की जाती है विल किसके साथ आता है और शैल किसके साथ आता है। तो शैल सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ आता है और वो है आई और वी, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि ही, शी, और इसके अलावा है यू, दे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आएगा विल और आई और वी के साथ आ जाएगा शैल। बस हमें ये बात ध्यान में रखनी है, शैल आएगा आई और वी के साथ और विल आएगा ही, शी, इट, यू, दे, ठीक है, सिवाय आई और वी के साथ जितने भी तमाम सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल आएगा। और इसके बाद साथ ही बात आ जाती है कि फ्यूचर टेंस का जो सिंपल यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, यानी कि उसे बनाया कैसे जाता है। तो सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा प्लस विल या शैल, दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और साथ ही इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल और शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलें फिर हम एक तो एग्जांपल लेते हैं और इसे समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में क्वेश्चन ले लेती हूँ किसी भी प्रेजेंट टेंस का या फिर पास्ट टेंस में से, ठीक है। तो मेरे पास है ही वेंट टू स्कूल। अब आप बताएं कि ये कौन से टेंस का क्वेश्चन है। तो ये है एग्जांपल पास्ट की, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसे चेंज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हमें सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होंगे विल और शैल, ठीक है, और वर्ब की होगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, ओके, ही इसी तरह से आ गया। इसके बाद हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल है और शैल है। शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ, और बाकी तमाम जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आएगा विल, ठीक है। तो शैल तो इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि शैल तो आता है आई और वी के साथ, बाकी इसके साथ क्या आ जाएगा फिर, विल, ही विल। अब वेंट होती है वो सेकेंड फॉर्म होती है गो की, ठीक है, तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आ गया गो, ही विल गो टू स्कूल। तो देखा कितना ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं और वो एग्जांपल है दे वॉन द मैच। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो दे सब्जेक्ट है, इसी तरह से आ जाएगा दे। अब दे के बाद जो स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब विल होगा या शैल होगा, तो विल
किसके साथ लगता है? ही शी इट के साथ। और शैल क्या? सिर्फ आई और वी के साथ। तो आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें क्या लगेगा? विल। तो ये दे है तो दे के साथ विल आ जाएगा, ठीक है। दे विल वॉन, वॉन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ विन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा विन दी मैच। तो देखा कितना ही ज़्यादा इजी था, दे विल विन दे मैच। पहले था कि उन्होंने मैच जीता था, ठीक है, और फिर अभी क्या हो गया, दे विल विन द मैच, यानी कि वो मैच जीतेंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, यानी कि जो फ्यूचर में होता है हम उसके बारे में सोचते हैं कि मतलब ये करेगा, वो करेगी, ये होगा, वैसा होगा, मतलब होगा वाले जो वर्ड होते हैं वो फ्यूचर टेंस के होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर तो हमने इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं यानी कि सिंपल सेंटेंस, उसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो चलें उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब हम फ्यूचर, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें हम जब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? तो वो भी सिंपल उसी तरह से दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, विल और शैल, और उसका भी वही सेम रूल है कि जो शैल होगा वो आई और वी के साथ आएगा, और विल इसके अलावा तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पर? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शैल या फिर विल प्लस नॉट, ठीक है। शैल या विल के साथ नॉट लगेगा, इसके बाद वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल, बस इम्पेरेटिव जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि नॉट नहीं था, अब इसमें क्या होगा? शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट। सिंपल इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर इसकी एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर है वी शैल ईट फूड, यानी कि हम खाना खाएंगे। अब हमें बनाना है कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी, ओके, सब्जेक्ट आ गया, शैल या विल में से शैल है तो ओके, शैल भी आ गया। अब नॉट कब लगेगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल या विल के बाद, तो शैल नॉट ईट फूड। तो देखें कितना ही ज़्यादा सिंपल था, वी शैल नॉट ईट फूड। अब हम एक पास्ट टेंस का जुमला लेते हैं और उसे फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं I went to see him। अब हम इसे फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर I इसी तरह से आ जाएगा। अब I के साथ will आएगा या shall आएगा? हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, I के साथ आएगा shall। अब नेगेटिव में क्या होगा? shall या will के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो I shall not आ जाएगा। फिर यहाँ पर है went, went is the second form of go, तो यहाँ पर आएगा फिर go, ठीक है। I shall not go, then last में इसी तरह to see him। पहले था कि मैं उसे देखने गया था, और अब क्या हो गया? मैं उसे देखने नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमने इसे future tense में बदला है और साथ ही इसके इसे negative sentence में भी चेंज किया है, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सवालिया जुमले बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब जो हेल्पिंग वर्ब थे विल और शैल, ये आ जाएंगे सबसे शुरू में, और इसके बाद वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दे प्ले अ मैच, एग्जाम्पल लेते हैं, और वो है दे प्ले अ मैच, वो मैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे इंटरोगेटिव में बनाएंगे, क्या वो मैच खेल रहे हैं? अब हमें फ्यूचर में भी बनाना है इसका और इंटरोगेटिव में। तो अब हम बोले हैं वो मैच खेल रहे हैं, अब हमें इसका बनाना है
क्या वो मैच खेलेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर का क्या खेलेंगे इस तरह से बनाना है। तो दे के साथ हमें पता है क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है। तो क्या आएगा, विल दे प्ले आ मैच, और साथ ही आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल दे प्ले अ मैच, क्या वो मैच खेलेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद एक और बना लेते हैं ताकि हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। हामिद सिंग अ सॉन्ग, हामिद हामिद सिंग अ सॉन्ग, यानी हामिद गाना गा रहा है। सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम इसे फ्यूचर में और साथ ही इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, यानी कि क्या हामिद गाना गाएगा। ठीक है, तो इसे हम चेंज करेंगे, तो हामिद जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और हमें पता है कि शेल किसके साथ आता है, शेल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल आता है। तो फिर सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल, तो विल देन हामिद, विल हामिद सिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या हामिद गाना गाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के मुतालिक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।